नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। दोस्तों, रॉबर्ट डाउनी जूनियर एके द आयरन मैन आज वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। हम कह सकते हैं कि इनका एक भी हेटर नहीं है, ही इज द मैन विद जीरो हेटर्स। आरडीजे मोस्ट वर्सेटाइल और टैलेंटेड एक्टर हैं जिन्होंने अपनी फिल्म जर्नी में वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स प्ले किए और फैंस के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 बेस्ट मूवीज ऑफ रॉबर्ट डाउनी जूनियर। आयरन मैन और एवेंजर्स फ्रेंचाइज के अलावा इनकी सभी एक्सीलेंट, सुपर्ब और अमेजिंग फिल्म्स मैंने इस वीडियो में ऐड की है। तो आरडीजे के डाई हार्ड फैंस को तो ये वीडियो एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में उनकी सभी बेस्ट मूवीज और बेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता चलेगा और जिन मूवीज ने उन्हें मोस्ट पॉपुलर मैन द आरडीजे बनाया है उनकी लिस्ट आपको मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस वीडियो की डिटेल्ड लिस्ट, सिनेमा न्यूज, फैक्ट्स और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म ड्यू डेट। इस फिल्म की एवरेज आईएमडीबी रेटिंग है 6.5, जो कि मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी कम है, क्योंकि ये ह्यूमरस और फुल्ली एंटरटेनिंग फिल्म इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करती है। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर और सपोर्टिंग एक्टर जैकरी नाइट की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और एक्सीलेंट एक्टिंग फिल्म के थोड़े डल पॉइंट्स को कवर कर लेती है। फिल्म की स्टोरी लीड कैरेक्टर पीटर को फॉलो करती है, जिसे अपने चाइल्ड की बर्थ से पहले लॉस एंजलिस पहुंचना होता है और इसलिए उसे एक एस्पायरिंग एक्टर ईथन के साथ ट्रेवल करना पड़ता है, जो इसे एक ट्रबलसम जर्नी बना देता है। दोस्तों, इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज पे। डिटेल्स आपको मिल जाएगी पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। Why are your eyes so glassy? You been partying? No, I have glaucoma. What about the dog? Does he have glaucoma? Because his eyes are glassy too. नंबर 9 पर है एक अमेजिंग ब्लैक कॉमेडी क्राइम फिल्म किस किस बैंग बैंग। अगर आप लोग डार्क कॉमेडी और ह्यूमर देखना पसंद करते हैं तो इस फिल्म के विटी डायलॉग्स और अमेजिंग कैरेक्टर्स आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। कुछ सिचुएशनल कॉमेडी सीन्स और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की परफॉर्मेंस और कैरेक्टराइजेशन आपके एंटरटेनमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। फिल्म हमें एक थीफ हैरी की स्टोरी दिखाती है, जो एक्सीडेंटली एक मूवी ऑडिशन में पहुंच जाता है, जहां एक डिटेक्टिव के रोल में वो सेलेक्ट हो जाता है और फिर उस कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए उसे रियल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना पड़ता है। इस तरह हैरी को रियल लाइफ में भी एक्टिंग करनी पड़ जाती है। ये अमेजिंग सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म हिंदी में अवेलेबल है और सिर्फ अनऑफिशियल सोर्सेज पर ही अवेलेबल है। नंबर 8 पर है एक इंटरेस्टिंग ड्रामा फिल्म लेस देन जीरो। इस फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर की परफॉर्मेंस ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही थी। 1987 की इस फिल्म में यंग आरडीजे ने ड्रग एडिक्ट के कैरेक्टर को एक्सीलेंटली प्ले किया और खूब तारीफें बटोरी। ये फिल्म हमें यंग एज में होने वाले कुछ बैड अट्रैक्शंस और एडिक्टिव बैड हैबिट्स के बारे में बताती है। फिल्म में हम देखते हैं कि एक कॉलेज फ्रेशमैन हॉलीडेज में अपने होम टाउन आता है और वहां उसे पता लगता है कि उसका फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड एक ड्रग एडिक्ट बन चुका है। अब वो उसकी ये आदत सुधारना चाहता है, लेकिन सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। दोस्तों, इस यंग एज ड्रामा फिल्म के विजुअल्स भले ही आपको पुराने लगे, लेकिन जो यंग एज अट्रैक्शन, जो सिचुएशंस इसमें दिखाई गई हैं, वो बिल्कुल रियल लगती है। इसे आरडीजे की वन ऑफ द बेस्ट यंग एज परफॉर्मेंस में हमेशा काउंट किया जाएगा। ये फिल्म इंग्लिश में अवेलेबल है और सिर्फ अनऑफिशियली ही आप इसे देख सकते हैं। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट चेक कीजिए। नंबर 7 पर है एक अमेजिंग फैंटेसी एडवेंचर फिल्म डू लिटिल। ये किड्स स्पेशल फिल्म है, लेकिन एंड गेम के बाद आरडीजे फैंस को उनके कमबैक का इंतजार था, इसीलिए शायद हर एज कैटेगरी की ऑडियंस ने इसे एंजॉय किया। इस फिल्म से आरडीजे ने अपनी ब्रॉड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स की लिस्ट में एक और अमेजिंग और डिफरेंट कैरेक्टर ऐड कर दिया। फिल्म की स्टोरी मेन कैरेक्टर डॉक्टर डू लिटिल के एडवेंचर्स को फॉलो करती है, जब वो अपने फ्यूरी फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक माइथिकल आइलैंड की जर्नी पर निकलते हैं, ताकि क्वीन विक्टोरिया के लिए एक स्पेशल मेडिसिन ला सके। दोस्तों, फिल्म की टारगेटेड ऑडियंस थे चिल्ड्रन, इसीलिए शायद अपर एज कैटेगरी के व्यूअर्स ने इसे इतना पसंद नहीं किया, लेकिन मैं कहूंगा कि आरडीजे की ऑसम परफॉर्मेंस, अच्छी स्टोरी, एक्सीलेंट विजुअल्स और अमेजिंग ह्यूमरस इंडियन स्टाइल हिंदी डबिंग की वजह से आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, इसे आप iTunes या प्ले स्टोर से रेंट या बाय करके देख सकते हैं, या फिर अनऑफिशियली भी आप इसे देख सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिलेंगी। नंबर 6 पर है एक ड्रामा फिल्म ए गाइड टू रिकॉग्नाइजिंग योर सेंट्स। इसे शॉर्ट बायोग्राफी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये फिल्म इसी टाइटल वाले एक मेमोयर पर बेस्ड है। इस फिल्म के डायरेक्टर डीटो मॉन्टील ने इस मेमोयर में अपने यूथ डेज को डिस्क्राइब किया है और इस फिल्म के जरिए अपनी इस स्टोरी को लोगों के सामने रखा है।
फिल्म में डीटो मॉन्टील का कैरेक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने प्ले किया और यंग एज डीटो का कैरेक्टर शाया लबौफ ने प्ले किया। इस स्वीट और सिंपल स्टोरी में इन दो बेहतरीन एक्टर्स ने जान डाल दी। फिल्म में दिखाया गया है कि एंगर और वायलेंस से हमेशा प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, कम नहीं होती। वायलेंस किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये फिल्म अपनी सिंपल और डिफरेंट स्टोरी टाइप से आपको एंटरटेन करेगी, साथ ही बहुत से लाइफ लेसन्स भी आपको सिखा जाएगी। ये फिल्म भी सिर्फ कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज पर अवेलेबल है इंग्लिश में। नंबर 5 पर है एक लीगल ड्रामा फिल्म, या कहें कि कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म, द जज। दोस्तों, कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म्स व्यूअर्स को तभी अट्रैक्ट कर पाती हैं जब उसके कैरेक्टर्स और उनकी कास्टिंग एकदम परफेक्ट हो, डायलॉग्स एकदम परफेक्ट हो। इस फिल्म में भी ऐसा ही है और लीड कैरेक्टर्स रॉबर्ट डुवाल और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की अमेजिंग परफॉर्मेंस ने इस फिल्म को एंटरटेनिंग और अट्रैक्टिव बनाया है। इस सिंपल सी स्टोरी वाली फिल्म में भी RDJ आपको एक मिनट भी बोर नहीं होने देंगे। फिल्म की स्टोरी फॉलो करती है एक लॉयर हैंक को, जो लंबे समय बाद अपने होम टाउन आता है, और जब उसके फादर को एक मर्डर के लिए अक्यूज किया जाता है तब हैंक अपने फादर का केस फाइट करता है। दोस्तों, इस कट टू द पॉइंट स्टोरी में बहुत से हर्ट टचिंग इमोशनल मोमेंट्स हैं आपके लिए, जो RDJ की एक्सीलेंट एक्टिंग आपको बिल्कुल फील करवा देगी। ये फिल्म इंग्लिश में अवेलेबल है, इसे आप अमेजन, प्ले स्टोर, एप्पल TV इन सब प्लेटफॉर्म से रेंट या बाय करके देख सकते हैं, या फिर अनऑफिशियली आप इसे देख सकते हैं। डिटेल्स आपको प्रिंट कमेंट में मिलेंगी। नंबर 4 पर है एक सुपर्ब एक्शन कॉमेडी फिल्म, ट्रॉपिक थंडर। दोस्तों, ये एक कमाल की फिल्म है जो कमाल की स्टारकास्ट के साथ कमाल की स्टोरी हमारे सामने रखती है। फिल्म में बैन स्टिलर, जैक ब्लैक, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और टॉम क्रूज, सबकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट, सुपर्ब और अमेजिंग है। लेकिन सबसे स्पेशल रहे हमारे सबसे चहीते ऑल टाइम फेवरेट स्टार RDJ। इन्होंने फिल्म में एक ब्लैक मैन का रोल प्ले किया और इतना एक्सीलेंटली प्ले किया कि इनसे बेहतर वो कैरेक्टर और कोई प्ले नहीं कर सकता था। जितनी अमेजिंग फिल्म की स्टार कास्ट है, उतनी ही अमेजिंग है फिल्म की स्टोरी, जिसमें हम देखते हैं कि एक फिल्म क्रू बिग बजट वॉर मूवी की शूट के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं और वहां एक्टर्स को रियल लाइफ सोल्जर्स और फाइटर्स बनने की नौबत आ जाती है जब एक लोकल ड्रग डीलर गैंग उन पर अटैक कर देती है। फिल्म में रियल कॉमेडी ड्रामा तब शुरू होता है जब एक्टर्स इस अटैक को मूवी का पार्ट मान लेते हैं। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है और सिर्फ अनऑफिशियली ही आप इसे हिंदी में देख सकते हैं। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट चेक कीजिए। I'm a dude playing a dude disguised as another dude. नंबर 3 पर है एक मास्टरपीस बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म, चैपलिन। एक्टिंग और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आज तक बनी सबसे बेस्ट फिल्म्स में से एक है और इसे मास्टरपीस बनाया है लेजेंडरी एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने। दोस्तों, अभी तक बहुत ही कम ऐसे एक्टर्स हुए हैं जो चार्ली चैपलिन का कैरेक्टर प्ले कर पाए हैं, क्योंकि इस कैरेक्टर को प्ले करना बहुत ही टफ और नियरली इम्पॉसिबल माना जाता है। लेकिन RDJ ने इस कैरेक्टर को सबसे बेस्ट प्ले किया और ये प्रूव कर दिया कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम हु कैन प्ले एनी कैरेक्टर विद परफेक्शन। ये फिल्म चार्ली चैपलिन की लाइफ को व्यूअर्स के सामने रखती है, पॉवर्टी से उनकी वेल्थ और कॉमेडिक फेम तक का सफर दिखाती है, उनकी पर्सनल लाइफ और FBI से उनके रनिंग्स को हमारे सामने रखती है। दोस्तों, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपनी मैजिकल एक्टिंग से चार्ली चैपलिन को स्क्रीन पर एक बार फिर से जिंदा कर दिया। ये RDJ की आज तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, जिसके लिए ऑस्कर तो क्या, दुनिया का हर अवार्ड छोटा पड़ेगा। ये फिल्म सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है और सिर्फ कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज पर ही अवेलेबल। नंबर 2 पर है ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड एक अमेजिंग मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म, जोडियाक। इस अमेजिंग फिल्म में RDJ के साथ एक्सीलेंट एक्टर्स मार्क रुफेलो और जैक जिलनहॉल भी आपको नजर आएंगे, लेकिन फिल्म में RDJ का कैरेक्टर बेस्ट है। कुछ अलग और कुछ नया कैरेक्टर उन्होंने फैंस के सामने रखा है। ये फिल्म जोडियाक किलर नाम से पॉपुलर एक सीरियल मर्डरर के हंट की स्टोरी दिखाती है। ये किलर लेट 1960s के टाइम एक्टिव था, जो लेटर्स, ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स और साइफर्स के जरिए पुलिस को चैलेंज करता था। फिल्म में इसी मर्डरर के मिस्टीरियस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन और इसके सॉल्यूशन तक पहुंचने की स्टोरी दिखाई गई है। ये फिल्म मिस्टीरियस और थ्रिलिंग स्टोरी के साथ एंड तक सस्पेंस बनाए रखती है। इसकी स्टोरी में छिपे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स व्यूअर्स को एक मिनट भी बोर नहीं होने देते। ये फिल्म अमेजन प्राइम पर इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज पर ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगी। डिटेल्स के लिए पिंट कमेंट चेक कीजिए। There's only one thing we can do to thwart the plot of these albino shape-shifting lizard bitches. We are going to take this bike outside, ask the first person we see. We're going to introduce some novelty that way we get an objective viewpoint. She'll get you in touch. You can look, but you better not touch. More than I have. Don, have you seen any spy films? You don't just hand me a classified folder. You're supposed to slip it in my briefcase. Oh, perfect. Can you just get off of me? Yeah, I'm sorry. That was... It's emotional time for us all. It is literally a candy... It is literally a candy lane of murder and mayhem. What about that crazy mother Ted Bundy? Oh, that crazy guy. No, you got the larger deal, since you... Number 1 per hai.
आरडीजे की सबसे पॉपुलर और सबसे बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म सीरीज शेरलॉक होम्स। दोस्तों, शेरलॉक होम्स बहुत ही पॉपुलर डिटेक्टिव कैरेक्टर है जिस पर बहुत सी फिल्म्स और शोज बन चुके हैं। इस कैरेक्टर को बहुत से एक्सीलेंट एक्टर्स ने परफेक्टली प्ले किया है, लेकिन आरडीजे द्वारा पोर्ट्रेट शेरलॉक होम्स व्यूअर्स के बीच सबसे पॉपुलर रहा, क्योंकि उन्होंने एक अलग अंदाज में थोड़े फनी टच के साथ ये कैरेक्टर व्यूअर्स के सामने रखा। इस फिल्म से उन्होंने ये एक बार फिर से साबित किया कि जब जब वो स्क्रीन पर आते हैं, आग लगा देते हैं, फिल्म देखने वाले को बिल्कुल मजा आ जाता है। शेरलॉक होम फिल्म सीरीज डिटेक्टिव शेरलॉक और उसके पार्टनर डॉक्टर जॉन वॉटसन के एडवेंचर्स को फॉलो करती है, उनके वर्किंग स्टाइल और कुछ थ्रिलिंग इन्वेस्टिगेशंस को व्यूअर्स के सामने रखती है। इस सीरीज की दो फिल्म्स अब तक रिलीज हो चुकी हैं, शेरलॉक होम्स 2009 में और शेरलॉक होम्स अ गेम ऑफ शैडोज 2011 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, इस फ्रेंचाइज के दोनों पार्ट्स अमेजन प्राइम पर इंग्लिश में अवेलेबल है और हिंदी सबटाइटल्स भी आपको वहां मिल जाएंगे, लेकिन ये दोनों फिल्म्स हिंदी में भी अवेलेबल है अनऑफिशियल सोर्सेज पर। डिटेल्स के लिए प्रिंट कमेंट चेक कीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारे सबसे फेवरेट और मोस्ट लव्ड एक्टर आरडीजे की बेस्ट फिल्म। अगर आपको ये फिल्म कहीं भी देखने को नहीं मिल पा रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। आरडीजे फैंस, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं आया हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन रीजन जरूर बताइए। बेस्ट मूवीज की लिस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज चैनल को शेयर करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही बेस्ट कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।